Hello everyone, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss a chapter from your beehive book that is Packing. And students, this is an extract from a novel, Three Men in a Boat, written by Zerom K. Zerom. So, let's start with the narrator. जेरोम के जेरोम इज द नरेटर टाइम पीरियड सेकेंड में फिफ्टी नाइन टू फोरटीन जून नाइनटीन ट्वेंटी सेवन ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड ह्यूमरिस्ट बेस्ट नॉन फॉर द कामिक ट्रैवलॉग थ्री मैन इन अ बोट तो ये जाने जाते हैं अपने एक ट्रैवलॉग के लिए ट्रैवलॉग का मीन्स होता है यात्रा वृत्तान्त जिसमें उनकी जर्नी कवर्नन हो एंड वो भी क्या है कॉमिक ऑन राइट

थ्री मैन इन अ बोट जो उनका नोवेल था वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ तो उन्होंने इसका सीक्वल बनाया थ्री मैन ऑन द बूमिल एंड सेवरल अदर नॉवेल्स आल्सो ही रॉट सो समरी ऑफ दिस चैप्टर द नरेटर ऑफ द स्टोरी जेरोम वाज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स तो जेरोम को अब बहुत ही ज्यादा प्राउड था अपनी पैकिंग की स्किल्स पे मींस वो मानते थे कि वो बहुत अच्छा पैकिंग करना उनको आता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पे जा रहे हैं टू फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस इनके साथ ही टोल्ड देम टू लीव द होल मैटर ऑफ पैकिंग टू हिमसेल्फ विच दे रेडीली एग्रीड अब जब पैकिंग हो रही है तो वो बोलते हैं कि सारा पैकिंग का जितना भी है तुम तो मेरे ऊपर छोड़ दो वो सारा काम पैकिंग का मैं कर दूंगा एंड दोनों फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस वो रेडी हो जाते हैं इस चीज के लिए जॉर्ज सेट ऑन द इजी चेयर वो इजी चेयर पे बैठ जाते हैं एंड हैरिस हैरिस क्या करते हैं कॉकड हिज लेग्स ऑन द टेबल टेबल पे पाँव उठा के बैठ जाते हैं मतलब जब हम बैठते हैं एक टेबल पे पांव रखते हैं वैसे रिलैक्स कर लेते हैं अपने लेग्स को वो को एंड एंड वॉच जेरोम 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 डू द पैकिंग पैकिंग वो देखते रहते हैं हैं कि Zerom कैसे packing कर रहे देन बट दिस वॉज वॉट जेरोम वॉन्टेड एक्चुअली जेरोम के कहने का मतलब ये नहीं था कि सारा पैकिंग का मैटर मेरे पे छोड़ दो उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी वो पैकिंग कर रहे हों वेन ही सेड दैट he wanted to do all the packing himself what he meant was that he was he was willing to be in charge of everything in charge of everything means ki wo दोनों फ्रेंड्स जब पैकिंग कर रहे हो तो मींस मैं इंचार्ज हूं उस चीज़ का मींस आई विल गाइड यू हाउ टू डू दिस वर्क एफिशिएंटली अंडर हिज सुपरविजन लेकिन उन दोनों ने गलत समझ लिया उन्होंने सोचा कि जेरोम कह रहे हैं कि मैं खुद पैकिंग करूँगा जबकि उनके कहने का मतलब ये नहीं था उनके कहने का मीन्स था कि मैं आपको गाइड करूँगा अंडर हिज सुपरविज़न ही वॉज रियली पिस्ड एट दैम फॉर सच फॉर जस्ट सिटिंग अबाउट वॉचिंग हिम वर्क एंड वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री एक्सट्रीमली एंग्री वो बहुत नाराज हो जाते हैं जब उनके फ्रेंड्स उनको बैठे हुए देखते हैं काम करते हुए कि वो तो दोनों फ्रेंड्स तो बैठे हैं और वो काम वो खुद जेरोम जो है वो काम कर रहे हैं तो इससे जेरोम नाराज हो जाते हैं इट वॉज अनकंफर्टेबल फॉर जेरोम टू जस्ट सिट आइडल एंड सी अनादर पर्सन वर्क एलोन एंड जेरोम के लिए ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि और लोग तो बैठे हैं एंड वो अकेले काम कर रहे हैं सो हिज एनर्जेटिक नेचर मेड हिम टू गेट नेचर है वो कैसा है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो इसलिए वो उठते हैं एंड वो क्या करने लगते हैं सुपरवाइज करने लगते हैं वेन जेरोम पैकड द बैग हैर पॉइंटेड आउट दैट जेरोम हैड फॉर गॉटन टू पैक द बूट्स जब जेरोम पैकिंग कर रहे हैं तो हैरिस उठते हैं एंड वो इशारा करते हैं पॉइंटेड आउट इशारा करते हैं कि जेरोम शायद भूल गए हैं बूट्स पैक करना सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन जेरोम ने जो बैग पैक किया है उनको वो क्या करते हैं फिर से ओपन करते हैं एंड सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन एंड पैक हिज बूट्स इन एंड जस्ट ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट जैसे ही वो उसको बंद करने लगते हैं बूट्स पैक करके ही डाउटेड इफ ही अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया वेन एवर ही करने के बारे में सोचते हैं तो उनको सपने इसी चीज के आते हैं कि वो अपना बुरे सपने नाइटमेयर्स का मतलब बुरा सपना किस चीज के सपने आते हैं कि वो अपना टूथब्रश पैक करना ही भूल गए ऑल राइट सो दे गो ऑन टू हंट फॉर इट तो वो उठते हैं एंड उसकी तलाश शुरू कर देते हैं देन इन द मॉर्निंग ही वुड पैक इट बिफोर ही यूज इट एंड देन ही हैड टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड वुड रीपैक फॉर गेटिंग टू पुट द टूथब्रश इन अगेन तो वो क्या करते हैं अगली सुबह वो सबसे पहले उसको पैक करते हैं उसको यूज करने से पहले ही वुड पैक इट बिफोर ही यूज इट एंड ही हैड टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड अगेन कभी पैक करते हैं फिर करते हैं यूज कर लेते हैं उनको आदत है टूथ ब्रश को टूथब्रश को बार बार भूल जाने की इसलिए देन हीस टू फैच इट फिर वो ऊपर गए फैच यानी लेकर के आने के लिए टूथब्रश को लाने के लिए ही ऑलवेज एंड्स अप कैरिंग द टूथब्रश रैप्ड अप इन हिस्स पॉकेट हैंडकर चीफ तो इसके लिए वो क्या करते हैं वो लेकर के आते हैं हैंडकर चीफ पॉकेट हैंडकर चीफ और उसमें टूथब्रश को रैप कर देते हैं एज यूजल जेरोम हैड टू सर्च द होल बैग ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथ ब्रशेज एटीन टाइम्स ओवर उन्होंने क्या किया टूथब्रश ब्रश ढूंढने के चक्कर में बार बार बैग को जब पूरा बैग खोला उसमें क्या दिखा उनको जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश तो दिखे लेकिन और कितनी बार किया उन्होंने एटीन टाइम्स ये किया लेकिन उसको उनको अपना टूथब्रश नहीं मिला एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट लास्ट में उसको अपना टूथब्रश मिला एक बूट के अंदर ही हैड टू रीपैक वंस मोर तो उन्होंने दोबारा से उसको पैक करना शुरू किया आफ्टर ही वॉज डन जॉर्ज आज हिम इफ द सोप वॉज इन उसके बाद जब सारा बैग पैक हो गया जॉर्ज ने उनसे पूछा कि सोप है या नहीं है बैग में। ज़ेरोम सो एग्ज़ॉस्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोप है या नहीं है बिकॉज यूज सो मच एग्जॉस्टेड सो मच टायर्ड बट आफ्टर ही बैग अगेन तो जैसे ही उन्होंने दोबारा से उस बैग को देखा ही नोटिस हैड पैक्टिकल्स इन साइड एंड ही वो उसको देख रहे थे उन्होंने स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स भी अंदर पैक कर दिए थे तो अगेन उनको ओपन करना पड़ा वो फाइनली ही फिनिश्ड पैकिंग एट टेन फाइव यानी कि इवनिंग में दस बज के पांच मिनट पे शाम को उनकी पैकिंग पूरी फिनिश हुई रात को मीन्स रात को दस बज के पाँच मिनट तक उनकी पैकिंग ही चल रही थी एंड नाउ जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू पैक द फूड हैम्पर्स अब जॉर्ज एंड हैरिस ने सोचा कि अब हमको बाकी सामान हो गया है अब हमको फूड जो आइटम है उनको पैक करना है जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड बाय शोइंग दैट देवर बेटर देन जेरोम एट पैकिंग अब जॉर्ज और हैरिस दिखाना चाहते थे कि पैकिंग में

Then Harris accidentally squashed a tomato by placing strawberry jam on top of it. And then he had to pick out the tomato with a teaspoon. Fir kya hua? जैसे ही पैक करने लगे एक्सीडेंटली अचानक हैरिस ने क्या कर दिया टमाटोज बिल्कुल कुचले जा चुके थे उसके द्वारा क्योंकि उसने स्ट्रॉबेरी जैम जो था वो के टमा के ऊपर रख दिया एंड फिर उसको टी स्पून से निकालना पड़ा क्योंकि टमाटोज जो थे वो पूरी तरह स्क्वैश हो गए थे उसके अंदर उसका बिल्कुल ऐसे कुचल गए थे वो पूरी तरह से जूस बाहर आ गया था उसमें से फिर टी स्पून से उनको निकालना पड़ा मोर ओवर जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर अब जॉर्ज जो थे वो बटर के ऊपर उनका पाँव रखा गया नाउ इट वॉज टर्न थी ये जेरोम जो थे पहले तो जेरोम काम कर रहे थे तो जॉर्ज एंड हैरिस बैठे थे अब ये जेरोम की टर्न थी बैठने की तो उन दोनों को बुरा लग रहा था किनको जॉर्ज एंड हैरिस को उनको देखते हुए दे स्टेप डॉन थिंग्स पुट थिंग्स बिहाइंड वाइंड नीडेडीजों पर पांव रख देते थे कभी वो चीजें पीछे रख के भूल जाते थे और जब भी चीजें उनको चाहिए हो रही थी तो चीजें पड़ी थी मीन्स में मेस क्रिएट हुआ हो रखा था दे पुट द पाई एट द बॉटम एंड पुट है टॉप ऑफ इट विच एंडेड अप रिंग दाइज अब क्या था पाइज यानी कि केक्स वगैरा मफिनस केक्स ऐसे पाइज वगैरह जो पाई थे उन्होंने वो तो बॉटम पे रख दिए एंड हैवी थिंग्स उनके ऊपर रखने से क्या हुआ वो पाइस का बिल्कुल क्रम्स बन गए चूरा बन गया एंड वो सारी पाइस खराब हो गई दे पॉर्ड सॉल्ट ओवर द प्लेस एंड डिड वंडर विद द बटर उन्होंने सब जगह पे क्या रख दिया सॉल्ट रख दिया ऊपर की तरफ एंड फिर वो ढूंढ रहे थे कि बटर है या क्या है जॉर्ज गॉट द बटर स्टक टू हिज स्लीपर्स एंड जब जॉर्ज वहाँ से जा रहे थे तो बटर पे जॉर्ज का पाव पड़ा एंड सारे स्लीपर्स किसमें चिपक गए बटर में आफ्टर ही गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स दे अटेम्प्टेड टू पुट इट इन द केटल बट इट वुडंट गो इन अब उन्होंने क्या किया आफ्टर ही गॉट इन ऑफ जैसे उन्होंने स्लीपर्स हटाए उन्होंने क्या सोचा इस बटर को एक केटल में डाल देते हैं लेकिन वो केटल के अंदर जा नहीं रहा था देन दे पुट इट डाउन ऑन अ चेयर बट हैरिस ऑन इट एंड द बटर स्टक टू हिज बैक उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस बटर को चेयर के नीचे रखते हैं लेकिन हैरिस उसके ऊपर बैठा एंड बटर जो था वो हैरिस की बैक पे चिपक गया देन दे वेंट अराउंड लुकिंग फॉर इट और वो चारों तरफ देख रहे थे कि बटर कहाँ है आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग जॉर्ज डिस्कवर्ड दैट इट वॉज एट द बैक ऑफ हैरिस द होल टाइम एंड फाइनली दे पैक्ड इट इन द टी पॉट उसके बाद जब वो ढूंढ रहे थे तो जॉर्ज ने नोटिस किया कि ये तो हैरिस की बैक पे चिपका हुआ है एंड फिर उन्होंने उसको कहाँ पे सेट किया टी पॉट के अंदर रखा and then their pet dog montmorency came into the scene only to add to the commotion uske baad unka ek pet dog montmorency wo wahan pe aa gaya and usne kya kiya jo kuch bhi ho raha tha sorry <coughs> to add to the commotion commotion ka means hota hai you can say uh, state of uh, confused and uh, noisy disturbance हो रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनमेंट था हल्ला गुल्ला यू कैन से इन हिंदी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था एंड उसमें पेट डॉग मोरेंसी और आ गया क्या करने के लिए सारी चीजों को खराब करने के लिए माउंट वो बहुत ज्यादा शरारती कुत्ता था हुज एम इन लाइफ टू क्रिएट हर्डल्स उसका तो काम ही एक ही था क्या हर्डल्स यानी कि बाधाएं उत्पन्न करना कोई भी काम हो उसको पूरा नहीं होने देना एंड गेट स्कॉल्डेड और फिर उसको डांट पड़ती थी थीड का मीन्स चाइड चाइल का मीन्स डांटना डांट पड़ना It It was 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 only only when he he screamed at he felt that his day had not been wasted. उसका तो दिन मतलब बिना चिल्लाए बिना कोई चीज के उसका कोई भी दिन जाता नहीं था सो जस्ट वेन थिंग्स वर रेडी टू बी पैक्ड ही और जैसे ही सारी की सारी चीजें पैक हो गई वो रूम में आया और उन सारी चीजों के ऊपर बैठ गया हैरिस और एंड जॉर्ज एक्सटेंडेड देयर हैंड फॉर मॉउंट मोरेंसी मेड इट अ पॉइंट दैट दे रीच फॉर हिज नोज तो जैसे ही वो अपने हैंड्स एक्सटेंड करते और वो हैंड्स कहां पे पहुंचते मॉन्ट मोरेंसी की नोज पे ही पुट हिज लेग इन टू द जैम डिसऑर्गेनाइज द टी स्पूंस एंड हैम्पर्ड द लेमन्स तो उसने क्या किया अपनी लेग्स जो थी वो जैम के ऊपर रख दी टी स्पूंस को डिसऑर्गेनाइज मतलब खराब कर दिया उसका ऑर्डर एंड लेमन्स के ऊपर बैठ गया उसको ढक दिया पूरी तरह से आफ्टर अनकम्फर्टेबल ऑबस्टेकल्स एंड प्रिमेंडस एफर्ट्स फाइनली द पैकिंग वॉज डन और बड़ी मुश्किल से बहुत सारी ऑबस्टेकल्स के बाद कठिनाइयों के बाद जो पैकिंग थी वो पूरी हो पाई कब ट्वेल्व फिफ्टी पे

दे वर ऑलरे देवर रेडी फॉर बेड एंड डिसाइडेड टू वेक अप हाफ पास सुबह सिक्स थर्टी पर उन्होंने उठने के बारे में सोचा जॉर्ज वॉज ऑलरेडी अ स्लीप बाय देन तब तक जॉर्ज ऑलरेडी सोच चुका था सो जॉर्ज एंड जेरो प्लेसड द बाथ वेर ही कुड टम्बल इन टू ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड सेल्व देन So, students, uh, this was the interesting story of the chapter packing. Bye bye for now. Now we will meet in our next video.